नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी के आदेशों का पूर्ति निरीक्षक तथा वीडियो फक्करपुर द्वारा समय अनुसार नहीं किया जा रहा है पालन। ब्लॉक फक्करपुर के ग्राम पंचायत सराय काजी के ग्राम मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शरीफ द्वारा कोठे का प्रस्ताव गोपनीय ढंग से 15/9/2021 तारीख को अपने नौकर रामविलन पुत्र बधाई के नाम पूर्ति निरीक्षक अमरजीत वर्मा तथा वीडियो की मिलीभगत से कोठे का प्रस्ताव करा दिया गया। जब ग्रामीणों को पता चला कि कोठे का प्रस्ताव करा लिया गया है तो लगभग 60 से 70 ग्रामीणों ने खुली बैठक के लिए डीएम बहराइच व एसडीएम कैसरगंज के यहां जाकर प्रार्थना पत्र दिया। डीएम बहराइच तथा एसडीएम कैसरगंज में पूर्ति निरीक्षक फक्करपुर को खुली बैठक हेतु प्रस्ताव कराए जाने का आदेश दिया था, लेकिन पूर्ति निरीक्षक तथा वीडियो द्वारा आदेशों का पालन समय अनुसार आख्या नहीं प्रेषित किया गया। इस संदर्भ में ग्राम सराय काजी निवासी मोहम्मद सलमान ले मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया किस प्रकार अनुसार खुली बैठक कराने की आख्या प्रेषित करके मांग की गई है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के पूर्ति निरीक्षक अमरजीत वर्मा तथा वीडियो फक्करपुर के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलमान अंसारी। किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? ग्राम पंचायत सराय काजी में रहते हैं। तहसील कौन सा है? सरगंज है। जिला? बहराइच। आप किस संबंध में आए यहाँ? हम अपने ग्राम पंचायत कोटा के संबंध में आए हुए हैं। फिर क्या हुआ? हमारे वहाँ कुछ 15/9/2021 को कोटा का मतलब प्रस्ताव रखा गया और वो भी गोपनीय तरीके से, हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। तो इस वजह से लोग जब जागरूक हुए तो लोग इकट्ठा होके कुछ लोगों ने कहा कि चलिए आप एसडीएम साहब के वहाँ चलिए। तो उन लोगों को हम एसडीएम साहब के वहाँ लेके आए और वहाँ से फिर उनको डीएम साहब के फिर वहाँ लेके गए। डीएम साहब ने लिखा पत्र एसडीएम साहब को हमारे कैसरगंज में। फिर एसडीएम साहब ने हमारे इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर को लिखा जांच के लिए। तो वो यहाँ से 4 तारीख को लेके गए हैं, 4/10/2021 को फाइल यहाँ से हमारे इंस्पेक्टर साहब लेके गए हैं। फिर उस पर अभी तक जांच नहीं लगाए वो। अब वो क्या जांच लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं वो जल्द से जल्द समय के अनुसार वो जांच लगा के हमें दोबारा दे, और हमें ये आशा है कि वो अच्छी से अच्छी रिपोर्ट लगाए और खुली बैठक का जल्द से जल्द इंतजाम करवा। प्रस्ताव खुली बैठक में करवा दें।